कुल्लू के डोभी में पैराग्लाइडर से गिरकर महिला पर्यटक की मौत मामले में पर्यटन विभाग ने एक्शन लिया है। विभागीय जांच में पैराग्लाइडर पायलट की लापरवाही बरतने पर पायलट और ऑपरेटर का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। इससे पहले विभाग ने पायलट और ऑपरेटर के लाइसेंस सस्पेंड किए थे। अब जिला पर्यटन विकास अधिकारी ने आदेश जारी कर लाइसेंस जमा करने को कहा है। अब पायलट और ऑपरेटर कभी भी पैराग्लाइडर नहीं उड़ा सकेंगे। देखिए, जैसे कि आपको जानकारी है कि 11 तारीख को जो है एक हादसा जो यहाँ पे पेश आया था पैराग्लाइडिंग का, जिसमें एक महिला पर्यटक की जो है वो मृत्यु हो गई थी। उसके जो है वो प्रारंभिक जांच जो है वो विभाग द्वारा भी की गई है और उसमें जो है कहीं ना कहीं मानवीय भूल जो है वो पाई गई है। और डिस्पाइट की सारा जो साइट थी वो प्रॉपर थी, जो इक्विपमेंट था वो पास था, ऑपरेटर भी रजिस्टर्ड था, पायलट भी रजिस्टर्ड था, बावजूद उसके जो है वो हादसा हुआ है। और जो हादसा हुआ वो प्रॉपर, जो अभी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में ये आया है कि जो हार्नेस था वो खुल गया, तो इस वजह से जो है एक नोटिस जारी किया गया था ऑपरेटर और पायलट को, और दोनों का जो उनसे जवाब मांगा गया। और उनके जवाब के आधार पे और जो हमारी इन्वेस्टिगेशन हुई है उसके आधार पे जो है इसमें जो है बहुत बड़ी एक कमी पाई गई, और उस वजह से जो ऑपरेटर और जो पायलट है दोनों के जो है लाइसेंसेस जो है पहले सस्पेंड किए गए थे, लेकर किंतु अब जो है वो कैंसिल कर दिए गए हैं। देखिए, जहाँ तक अगर फ्लाइंग की बात करें तो एसोसिएशन को ये जिम्मा दिया गया था कि वहाँ पे जो फ्लाइंग है उसका पूरा जो है वो ध्यान रखा जाएगा, और इसी शर्त पे जो है एसोसिएशन को वहाँ फ्लाई करने की परमिशन दी गई थी, क्योंकि मार्शल्स जो है वो जल्दी हमारे यहाँ आने वाले हैं, और तब तक जो है एसोसिएशन की जिम्मेवारी थी कि वो मार्शल्स को डिप्लॉय करें और हर साइड, हर जो एक फ़्लाइट हो रही है उसका जो है वो पूरा ध्यान रखा जाए। चूँकि उसमें भी कमियाँ पाई गई हैं तो फिलहाल के लिए जो है वहाँ पर फ्लाइंग बंद कर दी गई है, और जब तक वहाँ पर एक प्रॉपर एक जो है वो सिस्टम सेटअप नहीं हो जाता और प्रॉपर एक सेफ्टी प्रोटोकॉल जो है एक उसका जो एक दोबारा से उसको रिव्यू नहीं किया जाता टेक्निकल कमेटी के द्वारा और एक फाइनल डिसीजन नहीं लिया जाता, तब तक जो है फ्लाइंग वहां पे सस्पेंड अभी रहेगी। हादसा पतली कुहल के समीप डोभी पैराग्लाइडिंग साइट में हुआ था, जिसका कारण सेफ्टी बेल्ट खुलना बताया गया है। ये भी पता चला है कि पायलट ने ठीक ढंग से सेफ्टी बेल्ट नहीं बांधी थी। उड़ान के 2 मिनट बाद ही पैराग्लाइडर से महिला पर्यटक छिटक गई थी, जिसमें तेलंगाना की 26 वर्षीय नव्या की मौके पर मौत हो गई थी। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।